गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और वेरी गुड इवनिंग। तो शाम का भी हो गया है 7 और मेरी तबीयत कल रात से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे लूज मोशन लगे हुए हैं रात से और पूरा दिन हो गया है और फुल बॉडी पेन भी हो रहा है मुझे। ये पता है हड्डियों में, जॉइंट में पेन है, मुझे हर जॉइंट में पेन है, यहाँ से कमर से लगा के पैरों में भी, हाथों में भी, हर जगह। पूरा दिन हो गया है मुझे लेटे लेटे और लूज मोशन लगे हुए थे। तो मैंने पूजा से बोला था खिचड़ी बना दो मूंग की दाल की, तो वो भी मैंने नहीं खाई, एक दो चम्मच खाई, क्योंकि बिल्कुल कुछ खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा है कि कुछ खाऊं। और पता है यहाँ पूरे मुंह में मेरे छाले पड़ गए हैं, बोलने में भी मुझे दिक्कत हो रही है। मेरे यहाँ पे पूरा छाला पड़ गया है, आज ही के दिन में इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से तबीयत भी ख़राब है। तो सुबह से तो कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है जब से वहाँ से आए हैं, जैसे आप लोग जानते ही हो टेंशंस की वजह से सारा कुछ ये हो रहा है। और अभी बैठे हुए तो सोचा अब आप लोगों से बात करते हैं, ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर बने रहिए, न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन के साथ में। तो मिलते हैं अभी थोड़ी सी। तो गाइस यहाँ पे मेरे पूरे मुंह में छाले ही छाले पड़ गए थे, इस वजह से मैं बोल नहीं पा रही थी, मेरे मुंह में दर्द हो रहा था और जैसे बताया मैंने आपको मुझे लूज मोशन लगे हुए हैं, इस वजह से मेरी हालत ना बहुत ज़्यादा डाउन थी, बुखार भी आ रहा था, मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं था और टेंशंस बहुत है मेरी लाइफ में, इस वजह से मैं और भी परेशान थी। तो यहाँ पे बैठी हुई थी तो थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था मैंने। और हाँ कि कल की जो मैंने अपनी बात शेयर की थी तो कि मैं अकाउंट के बारे में, तो बहुत लोगों ने मुझसे बोला था कि दी अब अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए मैं हेल्प कर दूँ, बहुत लोगों में से जैसे 4-5 लोगों ने बोला। तो तभी मैंने सोचा ठीक है आप अनिका की हेल्प करना चाहते हो तो मैं अकाउंट नंबर शेयर कर दूंगी, लेकिन बहुत लोग इसका गलत मतलब निकालेंगे। लेकिन 2 सालों से मैंने आज तक किसी से कोई हेल्प, रुपयों के लिए मैंने हेल्प नहीं मांगी, बहुत लोगों ने पहले भी बोला अनिका के लिए और तब भी मैंने नहीं लगाया, लेकिन आज मैं अकाउंट नंबर अपना कमेंट में पिन कर दूंगी। तो मेरा जो मेरे अकाउंट नंबर है ना, मेरी पासबुक वो मेरी ससुराल में रह गई है, तो मैं पापा का लगा दूंगी, तो जिसको भी डालना है मैं उस अकाउंट नंबर पे डाल सकता है, मैं पापा मुझे बता देंगे, वो निकाल भी देंगे रुपए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वो ससुराल में ही मेरी पासबुक रह गई है, तो वहाँ तो लोगों को पता है मैं जा नहीं पा रही हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे शाम को मुझे ड्रिप लगने वाली थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, बहुत मैं लो फील कर रही थी, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था इस वजह से। तो घर ही पे ड्रिप लग जाएगी और मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, सभी लोग, पूरा घर मेरा मेरी वजह से बीमार है। यहाँ पे मेरी नस नहीं मिल रही थी क्योंकि मुझे सॉयलिंग हो रखी है, इस वजह से नस बार बार ढूंढने पे भी नहीं मिल रही थी, वही भाई कह रहा था कि लाओ हाथ पे मारे तभी नस निकल के आएगी, क्योंकि इस टाइम पे खाना ना मैंने सही से खाया नहीं है और बीमार ही बीमार रही हूँ बहुत ज़्यादा मैं, और फिर भी आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाती हूँ। और एक लोगों ने बोला था ना कि मैं बोर होने लगी हूँ आपके ब्लॉग से, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, देखिए मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ, बीमार भी हूँ फिर भी जैसे भी करके ब्लॉग बना पाती हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत बोला करो, बुरा लग जाता है ऐसे आप बोलने से। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जब मेरे नस में ये सुई लगी है ना, बहुत मुझे दर्द हुआ और ऑलरेडी मेरे पेट में दर्द हो ही रहा था, हाथ पैरों में भी बहुत ज़्यादा मुझे दर्द था। अब मम्मी भी बीमार है क्योंकि हमारी ससुराल से जो ये सब हो रहा है ना, इस वजह से उनको भी टेंशन हो गई है और वो बीमार हो गई हैं। और किसी ने बोला था कि आपकी मम्मी पापा को कोई चिंता नहीं है, मायके वालों को, इसीलिए आपका घर चला गया, आपकी मम्मी आपको वही नहीं करती हैं, करती होती तो पहले से ही वो लोग करते तो इतना आपको तकलीफ़ नहीं उठाना पड़ता।
तो देखिए, हम लोगों ने जैसा उन लोगों ने किया ऐसा हम लोगों ने नहीं सोचा था, इतना दिमाग नहीं लगाया इस वजह से, और हम लोग पूरा घर परेशान है। देखना, अभी मम्मी को भी ड्रिप लगेगी, उनको भी प्रॉब्लम है, बुखार आ रहा है, टेंशन में, और हाथ पैर उनके भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। तो क्या बोलूँ, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भाई यहाँ पे मजाक बना रहा है बहुत ज़्यादा हम लोगों का, कि दोनों लोग लेटे हुए हो मरीज बन के और ड्रिप चढ़ रही है। तो वही मैं हंस रही थी कि तुम मजाक बना रहे हो, हम लोग यहाँ पे परेशान हैं। तो मुझे एक छोटी सी ड्रिप लगी थी और फिर दूसरी भी लगी है, अब मम्मी को भी लगने वाली है। तो यही है, हम लोगों की इस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, तो मत बोला करो ऐसा। सॉरी, फ़ोन आ गया था बीच में, मुझे वॉइस ओवर रोकना पड़ा, और नहीं पसंद आ रहा है इस टाइम पे, तो मत देखिए। लेकिन ऐसे बोल के ना मेरी हिम्मत को मत वो किया करिए, क्योंकि फिर ऐसा लगने लगता है सच में यार, इतना लोग बोर हो रहे हैं तो बुरा सा लगता है। देखिए, मेरी ये भी प्रॉब्लम चल रही है, ज़्यादा दिन तक नहीं है, क्योंकि इतनी परेशानियाँ मैं उठा रही हूँ, तो अब क्या उठाती, पूरी लाइफ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं उठाऊँगी। जब सुख आता है तो दुख आता है, जब दुख आता है तो सुख भी आता है, अच्छे दिन भी आते हैं। तो ये दुख जो चल रहे हैं ना, इसका यही है कि मेरे लाइफ में बहुत जल्द ही सुख आने वाला है, और मेरे भी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊंगी। और ये देखो अनिका मेरे पास लेट गई हैं, तो अभी मम्मी को भी ड्रिप लग चुकी है। तो चलिए फिर, बने रहिए गाइस। और हाँ, मैं जिसको मेरे अकाउंट में डालना है तो डाल दीजिएगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि प्लीज़ बैड कमेंट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बैड कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और मम्मी को भी ड्रिप लग गई है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, जैसे आप लोग देख ही रहे हो। रात में हम लोगों ने छत पे इसलिए लगवाया था क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और छत पे थोड़ी सी हवा चल रही थी। रात काफ़ी हो गई थी, 9:30 बज रहा था जब हम लोगों की ये ट्रिप चढ़ रही है, और देखते हैं भी कितना समय इसमें लगना है। तो चलिए फिर, बने रहिए फ्रेंड, और अभी मिलते हैं आप लोगों से। प्लीज़ ये सब मत बोलना कि आपके मायके में आपकी इज्जत नहीं है, क्योंकि बुरा सा लगता है यार। देख रहे हो आप लोग, मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो समझने की कोशिश करो। चलिए फिर, मैं आपसे मिलती हूँ और सामने से बात करती हूँ फ्रेंड। तो गाइस, मुझे अभी ड्रिप लगी हुई है, डॉक्टर के वहाँ मैं नहीं गई थी, और एक साइड मम्मी के लगा हुआ है। हम सभी की तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब थी, जैसे मैंने आपको बताया ही था। और अभी मुझे इतना दर्द हो रहा था पेट में, अभी भी हल्का दर्द है, क्योंकि अभी फुल डिप तो चढ़ी नहीं है ना, जब पूरी चढ़ जाएगी ना तभी तो रिस्पॉन्स पता चलेगा। और 9:30 बजने वाला है रात, बाद में ही देता है ना। 9:30 बज गया है रात का, और मम्मी इधर देखो लेटी हैं, उनको रिस्पॉन्स भी कितने टाइम देगा? रात के 12 बजे। अभी मुझे एक इंजेक्शन लगने को है, पूल में ये बहुत डर लग रहा है मुझे इसको लगवाने में, क्योंकि मन नहीं करता है, और प्रॉब्लम है तो लगवाना तो है ही है ना। बहुत ज़्यादा पेट में ऐसे दर्द सी होती रहती है,
चलिए फिर ग्लूकोज चढ़ जाता है, उसके बाद मिलते हैं आप।